सिटी टीवी 24 न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिद्रा महक। बदायूं से हरिशंकर श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्टर। बदायूं जिले की बिसोली विधानसभा को मिली पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात। बगरेन में मिनी स्टेडियम का भी कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। बिसोली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा बगैरन मंडल में पेपल गांव में मुख्यमंत्री पर्यटन सन्मंदर योजना कायाकल्प कार्यालय सौंदर्यकरण के तहत प्राचीन शिव मंदिर के कायाकल्प के विधायक निधि से 50 लाख स्वीकृति किए गए हैं, जिनका शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 20 मार्च 2021 को कर चुके हैं। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सोमवार को क्षेत्रीय विधायक कुसागर सागर की अध्यक्षता तथा आसफपुर ब्लॉक प्रमुख ओम किशन के करकमलों से भूमि पूजन कार्य सम्पन्न हुआ। भूमि पूजन के मौके पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक कुसागर सागर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सबसे प्राचीन मंदिरों को, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनके लिए विकास के लिए सौंदर्यकरण के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन सन्मंदर योजना लेकर आए और प्रत्येक विधानसभा में एक धर्म स्थल को विकसित करने का काम किया है। बिसोली विधानसभा के पेपल गांव के हजारों वर्ष पुराने शिव मंदिर का कायाकल्प सौंदर्यकरण होगा, जो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मुझे प्रस्ताव मिला कि अपनी विधानसभा के सबसे प्राचीन मंदिर के सौंदर्यकरण तथा कायाकल्प के लिए नाम भेजा जाए, तो मैंने बिना किसी देर किए हजारों वर्ष पुराने आपके पेपल शिव मंदिर के नाम का प्रस्ताव भेजा, जो शासन ने मंजूर कर लिया, जिसका शिलान्यास तथा भूमि पूजन कार्य संपन्न हो चुका है। अब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बदायूं से हरिशंकर श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्टर। हो जाएगा इसमें लगभग 2-3 महीने में, मतलब भवन निर्माण होना है और गेस्ट हाउस टाइप का बाथरूम और माने फर्श वर्श पड़ेगा, बाउंड्री गेट बनेगा, तो इन सब चीजों में 2-3 महीना तो लगता है। बताइए, दूसरी उपलब्धि आपकी मिनी स्टेडियम आपने बगरेन में प्रस्तावित किया था, इसका काम कब शुरू हो सकता है? मुझे तो लगता है मिनी स्टेडियम का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है, क्योंकि वो भूमि का ट्रांसफर को लेकर के कैबिनेट में गया था मामला, अब मुझे लगता है कि वो हो गया। धन थोड़ा सा कोविड के वजह से हम लोगों को धन की थोड़ी सी दिक्कत है, तो जैसे ही कुछ पैसा आता है तो